नमस्कार किसान भाइयों, अगर घरेलू ट्रैक्टर बिक्री की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल हिंदुस्तान में 3.86 ट्रैक्टर्स को ज्यादा बेचा गया है। जून 2023 में जहां कुल 98,195 ट्रैक्टर्स बेचे गए थे, वहीं जून 2024 में बेचे गए हैं 101,981 ट्रैक्टर्स। और इन सब में से ऐसे कौन से टॉप 10 ब्रांड्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स को बेचा है, मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और साथ ही अगर आपको ट्रैक्टर से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए होती है तो ट्रैक्टर जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद बशीर और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन। इस श्रेणी में आने वाले अगर 10वें ब्रांड की बात की जाए तो यहां पे हमें देखने को मिलता है इंडो फार्म। जून 2024 में इंडो फार्म ने बेचे हैं 372 ट्रैक्टर्स, वहीं जून 2023 में इंडो फार्म ने बेचे थे 530 ट्रैक्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे 2023 के मुकाबले इस साल इंडो फार्म ने कम ट्रैक्टर्स बेचे हैं। इस श्रेणी में 9वें नंबर पे हमें देखने को मिलता है प्रीत। अगर जून 2024 की बात की जाए तो प्रीत ने बेचे हैं 398 ट्रैक्टर्स, वहीं पिछले साल यानी कि 2023 में प्रीत ने बेचे थे 549 ट्रैक्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रीत ने कम ट्रैक्टर्स बेचे हैं। इस श्रेणी में 8वें नंबर पे आता है कैप्टन। कैप्टन ने साल 2024 जून में बेचे हैं 441 ट्रैक्टर्स, वहीं जून 2023 में बेचे थे 580 ट्रैक्टर। तो यहां पे भी हमें सीधे सीधे गिरावट देखने को मिलती है। अब अगर 7वें नंबर के ब्रांड की बात की जाए तो यहां हमें कुबोटा देखने को मिलता है। कुबोटा ने जून 2024 में बेचे हैं 1,652 ट्रैक्टर्स, वहीं पिछले साल जून में कुबोटा ने बेचे थे 1,954 ट्रैक्टर्स। तो यहां पे भी हमें सीधे सीधे ट्रैक्टर्स की बिक्री में कमी देखने को मिली है। इस श्रेणी में आने वाले अगर 6वें ब्रांड की बात की जाए तो यहां पे हमें न्यू हॉलैंड देखने को मिलता है। साल 2024 की जून में न्यू हॉलैंड ने बेचे हैं 3,468 ट्रैक्टर्स, वहीं 2023 की जून में न्यू हॉलैंड ने बेचे थे 3,279 ट्रैक्टर्स। यहां पे आप देख सकते हैं कि न्यू हॉलैंड ने पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा ट्रैक्टर्स बेचे हैं। यहाँ 5वें नंबर पे हमें देखने को मिलता है जॉन डियर। जॉन डियर काफी मजबूत ट्रैक्टर्स बनाता है, जिस वजह से जून 2024 में जॉन डियर ने बेचे हैं 8,023 ट्रैक्टर्स, वहीं जून 2023 में जॉन डियर ने बेचे थे 7,674 ट्रैक्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि अपने ट्रैक्टरों की मजबूती के बलबूते पर जॉन डियर ने पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा ट्रैक्टर्स बेचे हैं। इस श्रेणी में आने वाले 4वें ब्रांड की बात की जाए तो यहाँ पे हमें एस्कॉर्ट्स देखने को मिलता है। एस्कॉर्ट कंपनी के ट्रैक्टर्स हमें फार्म ट्रैक, डीजी ट्रैक, स्टील ट्रैक और पावर ट्रैक के नाम से इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब अगर इनकी बिक्री की बात की जाए तो जून 2024 में एस्कॉर्ट्स ने बेचे हैं 9,359 ट्रैक्टर्स, वहीं पिछले साल के जून में बेचे थे 9,270 ट्रैक्टर्स। तो यहां पे भी पिछले साल के मुकाबले इस साल एस्कॉर्ट्स ने ज्यादा ट्रैक्टर्स बेचे हैं। इस श्रेणी में आने वाले 3रे ब्रांड की बात की जाए तो यहां हमें देखने को मिलता है सोनालिका। सोनालिका के ट्रैक्टर्स हमें सोनालिका और सोलिस दोनों नाम से देखने को मिलते हैं। अब अगर ट्रैक्टर बिक्री की बात की जाए तो जून 2024 में सोनालिका ने बेचे हैं 14,062 ट्रैक्टर्स, वहीं 2023 के जून में बेचे थे 12,056 ट्रैक्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे पिछले साल के मुकाबले इस साल सोनालिका के ट्रैक्टर्स को हिंदुस्तान में ज्यादा पसंद किया गया है। इस श्रेणी में आने वाले दूसरे ब्रांड की बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टैफे। टैफे के ट्रैक्टर्स हमें हिंदुस्तान में दो नाम से देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है MF और दूसरा है आइशर। इस साल यानी कि जून 2024 में टैफे ने बेचे हैं 17,723 ट्रैक्टर्स, वहीं पिछले साल यानी कि जून 2023 में टैफे ने बेचे थे 18,199 ट्रैक्टर्स। आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल टैफे कुछ कम ट्रैक्टर्स बेच पाया है। अब अगर इस श्रेणी में आने वाले पहले ब्रांड की बात की जाए तो यहाँ पे हमें वो ब्रांड देखने को मिलता है जो हर साल हर महीने नंबर 1 पे ही रहता है। इसके ट्रैक्टर इतने स्टाइलिश, इतने मजबूत होते हैं कि फार्मर्स की पहली पसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ M&M ग्रुप की, जिसके ट्रैक्टर्स हमें हिंदुस्तान में स्वराज और महिंद्रा के नाम से देखने को मिलते हैं। अगर जून 2024 की बात की जाए तो महिंद्रा ने बेचे हैं 45,888 ट्रैक्टर्स, वहीं पिछले साल जून में महिंद्रा ने बेचे थे 43,364 ट्रैक्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल महिंद्रा ने ज्यादा ट्रैक्टर्स बेचे हैं। तो दोस्तों, ये हैं ऐसे टॉप 10 ब्रांड्स जिनके ट्रैक्टर्स को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। तो आपके पास अगर इनमें से किसी ब्रांड का ट्रैक्टर है तो वो आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर ट्रैक्टर्स के दीवाने हो तो ट्रैक्टर जंक्शन को सब्सक्राइब करें।